हमारे साथ पूर्व ओलंपियन रेसलर, वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट, जाने माने पहलवान हैं रमेश गुलिया, जुड़ चुके हैं हरियाणा से हैं। गुलिया जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 में आपका। धन्यवाद जी। रमेश जी, आपने सुना ही है जिस तरह से ये विनेश फोगाट और पूरे भारत का सपना गोल्ड मेडल चूक गए जी हम लोग, और जिस तरह से डिस्क्वालिफिकेशन हुई, उनका भार जो था वजन जी 100 ग्राम फालतू आ गया। आप ओलंपिक खेले हैं, आप सब बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले हैं। पहला सवाल आपसे ये कि आखिर भार को कंट्रोल करने का, क्योंकि जिस कैटेगरी में आप भी खेलते थे, आप तो सब पता है जी वो मेहनत है, ये जी होता क्या एग्जैक्ट? 100 100 ग्राम के पीछे मेहनत कितनी करनी पड़ती है? देखिए, जो 100 ग्राम लास्ट का जो 100-200 ग्राम वेट होता है ना, जी ये बहुत ही औखा होता है। जी इसमें हमें बहुत हाई लेवल की जो प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ती है, जैसे रनिंग वगैरह करते हम वेट कम करते हैं, कुछ भूख हमें खाली पेट भी जी रहना पड़ता है, जी तो लास्ट में 100-200 ग्राम रहता है ना, ये बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल में आता है। किसी किसी का तो ये आता ही नहीं है। बहुत जी सारे ऐसे केस हैं जो मतलब 100-200 या 500 ग्राम पर अटक जाता है जी और ये वेट कम ही नहीं होता। जी वही अब जो विनेश फोगाट के साथ में है, जो मेरा अपना मानना है कि जी वहां पर मौके पर तो हम थे नहीं, लेकिन जो हमने स्पोर्ट्स किया है, तो मेरा अपना ये मानना है कि भी विनेश ने, क्योंकि एक स्टेट लेवल का तो टूर्नामेंट ये था नहीं, ओलंपिक जी के टूर्नामेंट है, और इसमें हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है ओलंपिक खेल कराए और मेडल वहां से जीते। जी तो विनेश ने वहां, विनेश ने और पूरे स्टाफ ने पूरी कोशिश की है इसके लिए कि भी मेरा वेट कंट्रोल में रहे और आए। डाइट का जी भी कंट्रोल किया होगा और उन्होंने पूरा कंट्रोल किया, लेकिन ये लास्ट का जो जो आप मीडिया की तरफ से जो हमें पता चला कि भी लास्ट में 100 ग्राम इसका रह गया था, जी कोशिश उन्होंने पूरी की, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो पाया होगा। रमेश भाई, ये इसको कहीं देखिए राजनीतिक बयान भी आ रहे हैं, कुछ साजिशें बताई जा रही हैं, क्योंकि हर एक का अपना अपना एक नजरिया है। जिस तरीके से पहले ये विनेश और सभी पहलवान संघर्ष कर रहे थे, लेकिन आप क्योंकि ओलंपिक खेले हैं, आप वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ, तो वेट देखिए हर सुबह एक दिन वेट होता है, उसके बाद अगले दिन फिर वेट होता है। तो और उनके साथ फॉरेन कोच हैं हंगरी के, जो 2018 से उनके साथ हैं। आपको क्या लगता है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल, पहले मैं इस सवाल पे आऊं, सिल्वर मेडल से चूके हैं, सभी जानना चाहते हैं कि सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन है। आप अंतर्राष्ट्रीय रेसलर रहे हैं, क्या सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं देखो, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं तो सिल्वर भी नहीं मिलेगा अभी, जी और ये दुर्भाग्य की बात है पूरे भारतवासियों के लिए कि भी हमारा एक मेडल हमारे हाथ से निकल चुका है। जी डिस्क्वालीफाई हो गए तो उसे नहीं मिलेगा। जी दूसरी, जो आपने बताया कि भी 2018 से इसके साथ में कोचिज, पूरा एक स्टाफ है इसके जी साथ, बाहर के कोचिज वगैरह हैं, जी और जो एक पॉलिटिक्स है, जी पॉलिटिक्स तो गंदी जो पॉलिटिक्स है ना, कुछ अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं जो स्पोर्ट्स की मदद करते हैं जी अच्छे, अब कुछ को कई कमेंट्स वगैरह भी आए हुए हैं, जी लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो जिन्होंने अपना एक पॉलिटिक्स लेवल चमकाना पड़ता है। मैं तो जी ये चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में कभी भी पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स जी में जब पॉलिटिक्स घुस जाती है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान होता है। विनेश के मामले में ही आप देख लीजिए, विनेश चाहे इनका जो भी पीछे पर हो रहा है, जी डिस्प्यूट वो हो उसमें एक ओलंपिक के टाइम में कितना डिस्टर्ब रहे हैं, उसके बावजूद भी विनेश वहां तक पहुंची है, जी ये मतलब बहुत काबिले तारीफ है। जी और उसके बाद में जो इनका जो स्टाफ वगैरह भी है ओलंपिक में गए हैं, पूरा स्टाफ है, विनेश खुद बहुत समझदार खिलाड़ी है, पहला नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है, जी पहले ओलंपिक खेल कराई है और टूर्नामेंट्स भी खेले हैं, जी तो इसको अच्छे से पता है कि भी रूल रेगुलेशन क्या है। जी अब कोई कुछ भी बयान वगैरह करते रहे लोगों को तो अपना एक स्वाद आता है कि भी वो कमेंट्स करने में, जी लेकिन इस जगह पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और कोई इस लेवल का कमेंट्स नहीं होना चाहिए, जिससे खिलाड़ियों को भी मतलब उनको जी महसूस हो कि मैंने देश के लिए इतना कुछ किया और हमारे ऊपर ये ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं। रमेश भाई, क्या अब अपील हो सकती है, या नियम कहते हैं कि अपील भी नहीं कर सकते, या क्या हो सकता है, क्योंकि आप तो कुश्ती से जुड़े रहे हैं? देखिए, जो हमारा टाइम था उस जी टाइम में और आज के टाइम में रूल रेगुलेशन काफी चेंज आ चुके हैं। जी ये 2018 में जो हमने अपने लेवल पर पता किया है, जी 2018 में रूल ये बने थे, और जी इसमें
जिस दिन वेट आपका आज वेट हुआ है, आज जी ही से आपकी, हमारे रेसलिंग में होता है भी ये, आज वेट हुआ तो आज ही आपकी कुश्ती फाइनल हो जाती है, जी तो वो एक दिन वेट ही होगा। और जी अगले दिन होता है किसी, कोई फाइनल वगैरह हो जाती है अगले दिन, तो अगले दिन भी वो वेट होगा, जी उन खिलाड़ियों का वेट होगा जिसकी कुश्ती है। कुश्ती है जी हाँ, तो ये 2 दिन का इनका टूर्नामेंट था, तो पहले दिन भी वेट हुआ और दूसरे दिन भी वेट हुआ इनका। जी तो रमेश भाई, ऐसा क्या होता है कि पहले दिन जब वेट हुआ तो वो बिल्कुल ठीक थी, 50 किलो के अंदर उनका वेट था। अब जब दोबारा आज हुआ तो वो 100-200 ग्राम बढ़ गया, तो इस दौरान भूखे रहना, यहां तक कहा कि विनेश ने अपने बाल भी कट किए। आप कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहोगे, चाहे वो रेसलिंग का हो या बॉक्सिंग का हो? आपके साथ काफी बॉक्सिंग या पुराने खिलाड़ी भी रहे हैं कि वेट कम करने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है, कुछ ऐसा शेयर करना चाहोगे आप? देखो, वेट कम करने के लिए तो जैसे वेइंग मशीन होती है, अभी जी मेरे पास में एक पुराने साथी खिलाड़ी का फोन आया हुआ था, जी वो बोल रहे थे कि भी इसने अपने पूरे सिर के बाल कटवा लेने चाहिए थे, इसने अपने कपड़े उतार कर वो वेट देना था। जी तो ये इस तरीके की जो बकवास है ना, जी तो अपने एक वेट है, अपने जो हमारे एक रेसलिंग कॉस्ट्यूम है वो, उसका कितना वेट होगा खिलाड़ी को अच्छे से पता है कि भी जी मेरी मेरी रेसलिंग कॉस्ट्यूम के साथ में मैं कितना वेट होगा। और जी बाल कटवाने से कोई हमारा आधा 1 किलो का फर्क पड़ जाएगा क्या? जी ये चीज इतना लोग कुछ ना कुछ इस टाइप के, जिसको समझ ही नहीं है कि स्पोर्ट्स के बारे में, खिलाड़ियों की भावना के बारे में ऐसे जी कमेंट्स वगैरह कोई करते कोई रहते ऐसा हैं। इंसिडेंट आप जब खेले हो या आपने सुना हो अपने किसी साथी खिलाड़ी से कि वेट बढ़ गया और 15 मिनट में आपको इतना वेट कम करना पड़ा और किया हो, कुछ ऐसा? नहीं देखो, 15 मिनट के दौरान ही, पहले क्या होता था, पहले जैसे जो रेसलिंग कॉस्ट्यूम होती है जी उसको निकाल कर भी वेट दे देते थे, जी तो और वेट जैसे रनिंग वगैरह करिए, भूखे तो भूखा रह कर तो वेट कम करते हैं, रनिंग वगैरह कभी करते हैं, स्टीम जी बात होगी, सोना बात सोना वगैरह बात भी जी होगा, वो जी जी मैट पर प्रैक्टिस कर, लेकिन वो वेट है, मान लो आपका 55 kg वेट है जी नॉर्मली, उसमें 55 kg रहता है और आपने 50 kg में वो करना है, खेलना जी है, जी वो जो 2-3 kg है 51 तक आपका आसानी से कम हो जाएगा, क्योंकि जी कुछ कार्ब्स या शरीर से निकलेंगे, जी कुछ आप भूखा वगैरह रहकर पानी वगैरह की वो रहेगी, तो जी उससे ना हमारा कुछ लेवल तक आ जाता है। लेकिन जो लास्ट का 1 किलो वजन होता है ना, वो जी तो बहुत ही हार्ड होता है जी और इसको कम करने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। जी और ये अभी जो आप विनेश का ही लगा लीजिए, जी ये जो इसका 100-200 ग्राम जितना भी वेट रहा है, ये वही एक हिस्सा है जो इसने कोशिश पूरी की है अपनी, जी लेकिन वेट कम नहीं हो पाया तो उसके। लास्ट सवाल रमेश जी आपसे, कि यानी कि इसमें कोई साजिश या राजनीति नहीं, ये नियमों के तहत ही सब कुछ है और जो नियम है सभी के लिए एक समान है? देखो, इस लेवल पर जाकर साजिश वगैरह की संभावना नहीं रहती, जी जो रूल है रूल रूल है, वो सबके लिए बराबर है, चाहे इंडिया है, यूएसए है या क्यूबा है, कोई सबके लिए रूल रेगुलेशन बराबर है, जी तो इसमें साजिश का मुझे नहीं लगता। और जी ना इसमें कोई विनेश की तरफ से कोई कमी लगती या स्टाफ जी की तरफ से कोई कमी लगती, जी ये जिसके साथ में बीतती है ना, जी तो जिस टाइम विनेश के साथ में आपका टाई अप होगा, आपसे बात होगी, वो जी अपना खुद ये जी आपको बिल्कुल महसूस कराएगी कि भी मेरा जो 100-200 ग्राम वेट कम नहीं हो पाया था, जी मैंने कितनी एक्सरसाइज उसके लिए जी की है, मैं साइकिलिंग भी की, रनिंग भी की है, भूखी भी रही हूँ। तो जी अब लोग कमेंट्स कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लोगों का काम है कमेंट्स करना, जी मैं तो कहूंगा नहीं इस चीज के लिए कि लिए के स्पोर्ट्समैन के ऊपर और स्पेशली लड़की के ऊपर कोई इस तरीके के बिना बात के कोई कमेंट्स वगैरह करता रहे, जी उस ये ओलंपिक लेवल पर भी खेल कर आई है लड़की, हमें उसका मान सम्मान रखना चाहिए। हालांकि दुर्भाग्य है ये हमारा कि भी हमारा जी एक मेडल आता आता हमारे हाथ से निकल चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।